समझना चाहिए था इन भ्रष्टाचारियों को कि अपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। उसी भ्रष्टाचारी और तानाशाही प्रवृत्ति के कांग्रेस की जमात और उसके गोद में जाके बैठ के सरकार चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी पर उंगली उठा रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए इससे लोगों को। आज भ्रष्टाचारियों की जमात के बीच जो बौखलाहट है, जो परेशानी है और उनका जो भाषा निकल रहा है वह भाषा संयमित नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, तो समझना चाहिए था इन भ्रष्टाचारियों को कि अपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। आज हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने भी जाति विहीन समाज भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने की बात कहे थे और इन भ्रष्टाचारियों की जमात ने संकल्प लिया था कि भाई जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में जो लिप्त रहे, कांग्रेस को ही भ्रष्टाचार और तानाशाह के कारण हम लोग सब मिल करके लड़ाई लड़के हटाए थे। आज उसी भ्रष्टाचारी और तानाशाही प्रवृत्ति के कांग्रेस की जमात और उसके गोद में जाके बैठ के सरकार चला रहे हैं और आज उसी के गोद में बैठकर सब एकजुटता का प्रदर्शन कर भ्रष्टाचारियों की जमात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी पर उंगली उठा रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए इससे लोगों को। आपके पास सबूत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रति, तो आप माननीय न्यायालय में जाइए। ये देश के संवैधानिक संस्था CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, आप वहां प्रमाण दीजिए। इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। सबको मिल बैठ कर अब जरूरत है कि राष्ट्र भ्रष्टाचार के महामारी से कैसे मुक्त हो, इस पर गंभीरता से विचार करें। और जिन पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, स्पीडी ट्रायल चला करके उनकी राजनीतिक भविष्य का निर्धारण हो और जनता ऐसे लोगों को मुक्त करे राजनीति से, तभी भारत के अंदर जो महामारी के रूप में भ्रष्टाचार फैला है और लोगों की पुकार है क्या भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बने। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।